इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जो आज से 2 साल पहले 280वीं रैंक में खेला करता था, जिसको देखकर भारतीय क्रिकेट के फैंस उसका मजाक उड़ाया करते थे। सब लोगों को ऐसा लगता था कि इस खिलाड़ी का करियर कब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से लोगों के मुंह में ऐसी चुप्पी लगाई कि जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे आज वही उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की। इस खिलाड़ी ने अपने आप को ऐसा निखारा कि ये दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में अपनी जगह बना ली है। साल 2019 में मोहम्मद सिराज की रैंकिंग हुआ करती 263। फिर आता है साल 2020 और 2020 में मोहम्मद सिराज की 263वीं रैंक से घटकर 279वीं रैंक में पहुंच गया। लेकिन अब आता है साल 2022। इस साल इस खिलाड़ी ने अपनी बॉलिंग से ऐसा कहर बरपाया कि उस साल ये टीम इंडिया का नंबर 1 गेंदबाज साबित हुआ और इसकी रैंक सीधा 279वीं से उठकर 18वीं रैंक में पहुंच गई। फिर जनवरी 2023 में गेंदबाजी में इसने 3 मैच में श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट चटकाए। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही 2 मैच में इस खिलाड़ी ने 5 विकेट झटक लिए, जिससे उसकी रैंकिंग एक बार फिर 18वें नंबर से उठकर 3रे नंबर में पहुंच गई। ये था मोहम्मद सिराज की मेहनत का आलम। जो खिलाड़ी एक समय 280वीं रैंक में अपनी जगह बनाता था, आज वो टॉप 3 रैंक में अपनी जगह बनाता है। दुनिया भर में विकेट लेने के मामले में सिराज 2022 से लेकर अब तक 3रे रैंक में है और भारत के ये नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। सिराज से ज्यादा सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने विकेट लिए, वो खिलाड़ी ओमान के हैं। 2022 से लेकर आज तक इस खिलाड़ी ने 20 मैचों में 38 विकेट चटकाए हैं और इनका इकोनॉमी रेट रहा है 4.43। जो खिलाड़ी 2016-17 तक टेनिस बॉल से खेलता था, उसने इससे पहले कभी भी लेदर बॉल नहीं पकड़ी थी, आज वो एक मिसाल बना हुआ है। 4 से 5 सालों में ये खिलाड़ी अपना सफर अर्श से लेकर फर्श तक का किया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है और ये खिलाड़ी बहुत ही जल्द नंबर 1 की रैंकिंग में आएगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो ये थी मोहम्मद सिराज की कहानी। ऐसे स्पोर्ट फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट फैक्ट्स मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से किसी नए स्पोर्ट फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।